नमस्कार। गुलाब की तरह एक और खूबसूरत पौधा है फूल देने वाला, और वो है पोर्टुलुका या मॉस रोज। मॉस रोज में हम बहुत लंबे पीरियड तक कैसे फ्लावरिंग लें, ऑफ सीजन में या डॉर्मेंट सीजन में उसे कैसे संभाल के रखें कि वो बहुत तरोताज़ा और अच्छे से बना रहे, ये सब पर बात करेंगे आज के वीडियो में। देखते रहिए आखिर तक। मैं हूँ अंजना, वेलकम टू अमलान। पोर्टुलुका या मॉस रोज पर मेरा एक वीडियो है ऑलरेडी, ऑल अबाउट मॉस रोज। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो मॉस रोज के बारे में काफी कुछ जानकारी उससे मिल जाएगी। कुछ पॉइंट्स जो उसमें रह गए थे वो इस वीडियो में शामिल करते हैं। अलग अलग मौसम में मॉस रोज को कैसे संभालना है, आज हम मेनली इस पर बात करेंगे। गर्मी का तो फूल है ही, गर्मी में उसे कैसे रखना है, बरसात में कैसे रखना है, सर्दी में कैसे रखना है, और पाले में कैसे संभालना है। इन चारों मौसम पर बात करने वाले हैं आज। सबसे पहले बात करते हैं गर्मी में। गर्मी का तो फूल ही है, जितनी धूप लगती है उतना ये फ्लावरिंग करता है, इसीलिए इसे पूरी धूप में रखना है। गर्मी में छाया की तरफ जितना रखेंगे फूल कम आते जाएंगे, पत्तियां ज्यादा रहेंगी, इसीलिए ज्यादा फूल लेने के लिए इसे गर्मियों में भी पूरी धूप में रखना होता है। अब गर्मी के बाद मौसम आता है कि बरसात में इसे कहाँ रखना है। 9 to 5 इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब इसको धूप मिलती है तब ये खुलता है, धूप नहीं होती है तो ये फूल थोड़ा डल रहता है। इसीलिए बारिश में जब बादल होते हैं तो या तो ये नहीं खुलते, खुलते भी हैं तो ये आधे खुलते हैं। तो बारिश के मौसम में इसे नंबर 1 हमें डायरेक्ट बारिश से बचा के रखना है। डायरेक्ट बारिश में ये रहेगा तो ये नहीं खुलेगा, इसीलिए बारिश के समय में इसे ऐसी जगह रखें छज्जे के नीचे जहाँ इसको जब भी जितनी भी रोशनी मिल रही है वो तो मिले, लेकिन बारिश का पानी ना लगे। बारिश के बाद अगला मौसम आएगा सर्दी का, जो कि अब आने वाला है। सर्दी में ये डॉर्मेंट हो जाता है, कई दफा अगर इसको सही से नहीं संभाला तो ये गल के खत्म भी हो जाएगा। अब जो वक्त है दिवाली के बाद, वो मॉस रोज को संभालने का बहुत जरूरी वक्त है। इस समय मॉस रोज की फ्लावरिंग जहाँ ठंड शुरू हो चुकी है वहाँ फूल भी खत्म हो गया, जहाँ ठंड आने वाली है वहाँ जाता हुआ फूल है, और जहाँ अभी थोड़ा टेम्परेचर 30+ है उधर अभी आपको कुछ फूल दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन ग्रेजुअली ये फूल खत्म होंगे। पोर्टुलाका एक पेरिनियल प्लांट है जो साल भर रह सकता है, लेकिन इसका फ्लावरिंग पीरियड जो है वो सिर्फ गर्मी के 4-5 महीने तक रहता है। अब जो आने वाला मौसम है ये उसका डॉर्मेंट सीजन है, इसीलिए हमें इसे बचा के रखना है कि ये बहुत फ्रेश रहे, हेल्दी रहे, ताकि जैसे ही गर्मियां आएंगी ये वापस अपनी फ्लावरिंग शुरू कर देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें इसे कैसे बचाना है। अब इसको बचाने के 2 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप इसकी कटिंग्स ले लीजिए, अलग अलग कलर की कटिंग्स को आप अलग अलग कंटेनर में डाल लीजिए, ताकि आपको पता है कि कौन से कंटेनर में कौन सा कलर है। नेक्स्ट टाइम जब आप अपनी लैंडस्केपिंग करेंगे या उसको प्रॉपरली अरेंज करना चाहेंगे तो आपको पता है आपने कौन सा कलर कौन से कंटेनर में रखा है। उस पर एक टैग भी लगा दीजिए कि ये पर्पल कलर है, ये येलो कलर है, ये पीच कलर है। अगर हम मिक्स करके किसी कंटेनर में कटिंग्स को लगा लेते हैं तो हम कंटेनर की तो बचत कर लेंगे, लेकिन अगले साल अगर आपको वो कलर्स अलग अलग इस्तेमाल करने हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कंटेनर की फिक्र ना करें, कंटेनर की जहां तक बात है आप कुछ भी ले लीजिए। कोई पुराना गमला होगा, टूटा हुआ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो ये डब्बे के ढक्कनों में ही इसे सेव कर लिया है। डब्बों में मैंने बोगनविला उगा दिए और जो उसके ढक्कन फालतू थे उस पे मैंने ये मॉस रोज को सेव कर लिया है। हर ढक्कन में मेरा अलग अलग एक कलर सेव्ड है। अब इसे सेव करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम कटिंग न लेके हम डायरेक्ट रूटेड प्लांट को ही सेव कर लें। अब उसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी स्टेम्स हैं, लंबी लंबी स्टेम्स हो गई हैं, उन्हें आप ट्रिम कर लीजिए, काट दीजिए, और जो अच्छी थिक स्टेम्स हैं उन्हें रखिए और बस जड़ समेत उसे आप अपने कंटेनर में लगा लीजिए। धीरे धीरे ये स्टेम्स बाइफरकेट होंगी, जहाँ से आपने काटी है वहां से बढ़ेंगी, थोड़ी और बढ़ेगी तो इसे और काट लीजिएगा तो थोड़ी और ब्रांचेस बढ़ेंगी। इस तरीके से अपने प्लांट को बुशियर बनाते जाइए। हाउ टू मेक प्लांट बुशियर, इस टॉपिक पे भी मेरा एक वीडियो है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। मॉस रोज पर वही तरीका एप्लीकेबल है, इसीलिए उसी तरीके से आप इस डॉर्मेंट सीजन में जब ग्रोथ स्लो है तभी भी आप इसकी प्रूनिंग करते करते इसको थिकर बनाते जाइए। तो जब फरवरी-मार्च आएगा तब तक आपका जो प्लांट है वो काफी बुशियर बन जाएगा। जो हमने कटिंग लगाई है उसे भी सिंगल कटिंग को ही बढ़ने मत दीजिए। जैसे ही आपको लगता है कि कटिंग बढ़ रही है मतलब रूट डेवलप हो गई, उसके बाद उसे प्रून करते जाइए और बार बार प्रून करते उस प्लांट को बुशियर बना दीजिए। फरवरी में या मार्च में हम जैसे ही आपके सर्दी के पॉट्स खाली हो जाएंगे उस समय पोर्टुलुका को उन पॉट्स में शिफ्ट कर दीजिएगा और गर्मी आते आते आपके पॉट्स में पूरे फ्लावर्स भर जाएंगे। तो जितनी ज्यादा प्रूनिंग करेंगे उतने ज्यादा फ्लावर्स आएंगे और ये तैयारी हमें अभी से करनी है, डॉर्मेंट सीजन में सर्दियों से करनी है। अब आखिरी सीजन है पाला। जिन जिन एरियाज में पाला पड़ता है, मतलब रात को पानी गिरता है, ठंड बहुत ज्यादा होती है, उस मौसम में अगर पोर्टुलिका खुले में पड़ा है और उस पर पाला पड़ रहा है तो ये गल जाएगा। एक तो वैसे ही ठंड है, ऊपर से पाला पड़ रहा है, तो ये डेडली कॉम्बिनेशन पोर्टुलिका को बचने नहीं देगा। पाले के टाइम पे आप इसे या तो घर के अंदर रखिए जहाँ खिड़की से धूप आती रहे लगातार, और या फिर किसी शेड वाली जगह रखिए छज्जे के नीचे, जहाँ डायरेक्ट ऊपर से उसे पाला ना पड़े। पाले में आपको मॉस रोज को बहुत ध्यान से संभालना पड़ेगा। जहाँ पाला नहीं पड़ता वहाँ पूरी धूप में इसे छत के ऊपर रख दीजिए, या ऐसे एरिया में बैल्कनी में जहाँ मैक्सिमम आपके पास धूप आती हो, ऐसे इलाके में इन कटिंग्स को या रूटेड प्लांट्स को रख दीजिए और बस उसे 15-20 दिन में देखते जाइए, प्रून करते जाइए, इसे थिकर बनाते जाइए। फरवरी में उससे फिर मुलाकात कीजिएगा नए पॉट के साथ। एक बात मैं मेंशन करना भूल गई, जो आप कटिंग्स लगा रहे हैं या रूटेड प्लांट्स लगा रहे हैं उसकी जो मिट्टी तैयार करनी है उसमें आप आधी मिट्टी ले लीजिए और आधी बजरी ले लीजिए। इस समय कंपोस्ट की जरूरत नहीं है। 50% गार्डन सॉइल, 50% सैंड, रिवर सैंड, उसे मिक्स करके उसमें ये कटिंग्स और रूटेड प्लांट्स लगा दीजिए और फरवरी तक इंतजार कीजिए। और इस वीडियो को चलते चलते लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए और अंगनबाग को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।